सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। एज अ हिंदुस्तानी एज अ पेट्रियोटिक यू नो ऑडियंस पीपल विल रिएक्ट इन दिस वे। ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से, पूरी शिद्दत से इस फिल्म पे हमने मेहनत करी है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है। एक बारी जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके बाद सब कुछ हम कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को पूरी फिल्म सौंप देते हैं और उसके बाद ऑडियंस के हाथ में होता है वो कैसे भी रिस्पॉन्ड करे। लकीली फॉर अस ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत सारा प्यार मिला है इस फिल्म को। एंड जब आप फिल्म बना रहे होते हैं ऑफ कोर्स आपकी उम्मीद होती है कि फिल्म अच्छी बने, सारे लोग देखें, बिकॉज कहीं ना तो कहीं इस फिल्म ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। जैसे यामी जी का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ एनआई ऑफिसर से इंस्पायर्ड है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल जस्टिस कर पाएँ, आप उनके उनकी मेहनत को आप बिल्कुल सही तरीके से दर्शा पाएँ। तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है कि थिएटर में लोग आए देखें और इनकी मेहनत भी देखें। तो मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फील्स रियली ऑनर्ड कि पहले तो ऑफकोर्स विश्वास नहीं हुआ, सडनली आई थिंक मैं इंटरव्यूज ही दे रही हूँ एंड सडनली देर वर सो मेनी नोटिफिकेशंस, तो बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। क्या उस फिल्म के बारे में जानते हैं जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, तो वो अभी भी यू नो एक वो वाली फीलिंग आती है बचपन वाली कि अच्छा वो जानते हैं मुझे या फिल्म को, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। दैट वाज क्वाइट वेरी वो जैसे स्कूल में फीलिंग आती थी ना कि आज प्रिंसिपल ने मुझे नाम से बुलाया। हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टुडे इन द स्कूल, या मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने एक्नॉलेज करके गुड मॉर्निंग, सो इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो एक प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि फिल्म बहुत ज़रूरी है हमें, इसीलिए हमने बनाई। हमें लगा ये कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर एक जो पब्लिक डोमेन में है, जिस 5 अगस्त 2019 को सब जानते हैं क्या हुआ, उस पर बेस्ड है। तो एक हैवी शोल्डर्ड एक हैवी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे इस तरह का मंच मिले, इस तरह की आवाज़ मिले, तो हम जैसे लोगों हमारे लिए जो एक छोटे बजट की फिल्म बनाई है हमने, बट दिल से बनाई है और एक बड़े दिल के साथ बनाई है, तो बहुत प्रोत्साहन मिला एंड आई एम सो हैप्पी। द वे पीपल आर रिएक्टिंग, द ऑडियंस इज रिएक्टिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स। एवरीबडी इज शेयरिंग द वीडियोज फ्रॉम द थिएटर, लिटरली गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, गोइंग ऑन नेटवर्क्स, जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ अमेजिंग दे फील अबाउट द फिल्म। सो आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट एंड द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, वर्ल्ड। वी आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, कैनेडा, एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग फ्रॉम ग्वालियर, वी आर गेटिंग फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ, एवरीवेयर। सो इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स एक्साइटिंग। डू यू एक्सेप्ट दिस मैच्योर रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्म?
आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी डिड, बिकॉज आई थिंक वी हैड द ड्रीम दैट वी विल क्रिएट अ फिल्म इन सच अ वे दैट वी डू गेट दैट मैसिव रिस्पॉन्स. द फिल्म इज अबाउट सच अ बिग ड्रास्टिक स्टेप दैट वॉज टेकन ऑन 5th of August 2019, वेयर द आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड. सो आई थिंक विद दैट वी ऑलवेज फेल्ट दैट एज अ हिंदुस्तानी, एज अ पेट्रियोटिक यू नो ऑडियंस, पीपल विल रिएक्ट इन दिस वे, बट वी डेफिनेटली डिडंट नो वॉट स्केल it will go to, but it was really great to see this response, this kind of response. How is working with Emmy and Aditya? With Aditya, of course, we have been like associated with each other for like last 3 years now. I've done 2 films with Aditya and Lokesh's company, Aditya Dhar and Lokesh Dhar's B62 Studios company. So I think it has been great. As a producer, Aditya has given me like a complete freedom. It has been a very creative process. I could work in my own style. There was no rigidness, nothing forced on me, which was really amazing. And with Yamita, of course, she's a fabulous actress to work with. Again, very sharp, very studious in kind of her approach, yet tries to go to the bottom of the character, which is great. And again, same happened with Priyamani also, who is playing another character of Rajeshwari. So that both these actresses have been amazing to work with. So I never felt that there is a kind of a pressure or anything. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.